सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ थ्रोम्बोफॉब ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों, ये डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं किस कंडीशन में, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम होती है जब ये प्रिस्क्राइब की जाती है, और साथ में इसके जो कंटेंट है किस प्रकार से काम करते हैं, किसे इस्तेमाल करना है इसको, और कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो इसको पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं, थ्रोम्बोफॉब करके जो ऑइंटमेंट है 20 ग्राम के पैक में आती है, जायडस कंपनी यहाँ पर लिखी गई है, जायडस फोर्टिजा, इसके बारे में यानी कि कैडिला ग्रुप का ही ये जायडस उसका डिवीज़न है, और काफ़ी ये ब्रांडेड और काफ़ी विश्वसनीय बाज़ार में चलने वाली, जिसकी MRP की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 90 रुपये है, यहाँ पर आपको बाज़ार से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो उपयोग की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी पेशेंट है अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको जो किसी भी ग्लूकोज की या फिर किसी भी प्रकार की जो बोतलें लगती है तो उसको एक इंट्राकेथ यहाँ पर वेन में लगता है, जिसे IV कैन्यूला भी कहते हैं। तो अगर 15-20 दिन तक अगर हॉस्पिटल रहता है तो उसको जो वेन के अंदर एक प्रकार का क्लॉटिंग हो जाता है, वेन में सूजन हो जाती है, बार 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 वो वेन को बदलना पड़ता है, दूसरी जगह तीसरी जगह बदलते रहते हैं, तो वहाँ पर जो एक प्रकार का ब्लड का जो क्लॉटिंग, यानी कि एक ब्लड यहाँ पर जम जाता है, थक्के हो जाते हैं ब्लड के, तो वेन एकदम ब्लॉक हो जाती है, जिनके कारण सूजन भी होती है, दर्द भी होता है, आपने देखा होगा। और बार बार जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट, उसके हाथ में कई जगह पर सुई के जो होल होते हैं और साथ में उसके आसपास एक प्रकार का रेडनेस या फिर सूजन जो होता है, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर डॉक्टर उसी को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर जो बच्चे होते हैं जिसको वैक्सीन किया जाता है, तो उसके भी कभी कभी उसके अंदर भी गट्ठे से हो जाता है, वैक्सीन देते हैं, रस्सी देते हैं, तो उसको भी बच्चे को तभी भी ये डॉक्टर इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जो गट्ठे जो जम गया है जो ब्लड वहाँ पर, तो उसको रिलीव करने के लिए ये ट्यूब दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों ये इसके अंदर जो हिपेरिन और जो बेंजाइल निकोटिनेट जो दोनों कंटेंट है, ये कैसे काम करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो हिपेरिन इसके अंदर हिपेरिन सोडियम एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट एजेंट है, यानी कि जो ब्लड को जमने नहीं देता, अगर जो ब्लड जम चुका है यानी कि उसके थके हो गए, तो उसको एक प्रकार का रिलीव करता है, ब्लड को एक उसको रिलीव करके उसको एक प्रकार का ब्लड जो नॉर्मल ब्लड होता है उसी प्रकार से ये बना देता है, यानी हिपेरिन जो हमारे शरीर में होता ही है तो ब्लड को क्लॉटिंग नहीं कर देता, क्लॉट जो ब्लड होता है उसको होने नहीं देता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट है। और दूसरा जो बेंजाइल निकोटिनेट है, ये एक प्रकार का दोस्तों वासो डायलेटर है। वासो डायलेटर मतलब दोस्तों जो वेन जो होती है शरीर के अंदर, तो वैसी वेन के अंदर जो भी ये ब्लड क्लॉट होने के बाद जो वेन एकदम से सिकुड़ जाती है, तो उसको एक प्रकार का डायलेशन करता है, तो वेन एकदम से थोड़ी खुल जाती है, यानी कि वो मोटी हो जाती है, और जो हिपेरिन किसके साथ में अंदर उसको लगाते हैं, तो क्या है कि जो वेन डायलेशन होती है तो उसके अंदर जो भी जमा हुआ जो ब्लड का क्लॉट होते हैं, तो उसको ये तुरंत रिलीव करता है हिपेरिन, तो जिनके कारण जो भी वहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के कारण जो भी होता है, तो वो तो दोनों ये साथ में मिलकर उसको रिलीव भी करते हैं और जो सूजन को भी कम करते हैं, इस प्रकार से दोनों ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब दोस्तों बात करते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी कि आपको जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम हुई वहाँ पर हल्का से इसको मालिश करना है, सुबह शाम दो टाइम कर सकते हैं इसको, और जितने भी जरूर पड़े, जितने दिन आपको लगता है कि ये ठीक हो गया है तब तक इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका कोई ऐसा दिन नहीं होते कि कब तक इसको इस्तेमाल करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगे कि ये मेरा ठीक हो गया है तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट्स, तो इसके अंदर ऐसी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल यूज़ है, हिपेरिन और बेंजाइल निकोटिन दोनों एक साथ में मिलकर जो क्लॉटिंग जो भी होता है उसको रिलीव करता है, और यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है इसको किस प्रकार से यूज़ करना, 2 से 3 टाइम आप देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जैसी इसको एकदम अफेक्टेड जहाँ पर एरिया है वहाँ पर रबिंग करना है, यानी कि हल्के हाथों से उसको मसाज करना है, भी दिखा गया मोड ऑफ एक्शन, यानी किस प्रकार से काम करता है मैंने बताया इस प्रकार से, और इंडिकेशन भी इसी प्रकार से, जो वैसे भी इसका इस्तेमाल जो प्रॉब्लम जो होती है जो जम जाती है उसको थ्रोम्बोफ्लेबिटिसी कहा जाता है, जहाँ पर भी ये थ्रोम्बोसिस यानी थ्रोम्ब जो एकदम प्रकार के जम जाते हैं उसको रिलीव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब इसको देखते खोल करते एक प्रकार का ऑइंटमेंट बेस में ये आता है, और काफ़ी बाज़ार में चलने वाली ये ऑइंटमेंट है, आप इसको बताए इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट कलर में एकदम आती है इसे, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको थ्रोम्बोफॉब ऑइंटमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो
लाइक तो जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे देखने को, और जो पास में बेल आइकन पर वहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो नई अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।